बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 3। और बच्चों, हम इसके ट्रांसलेशन कर रहे थे और आज हमने पैराग्राफ नंबर 6 और ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको हमने ट्रांसलेट करना है, ठीक है। मिलियंस ऑफ गोट्स, शीप, लैम, काउस एंड कैमल्स आर सैक्रीफाइड आफ्टर द ईद नमाज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अलमाइटी। मिलियंस ऑफ गोट्स, मिलियंस लाखों की तादाद में, ऑफ गोट्स बकरियाँ, लाखों की तादाद में बकरियाँ, शीप भेड़े, लैम भेड़ कह सकते हैं आप, मेंढे कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये प्लूरल है ना, गोट्स, और ये शीप, एस का इजाफा नहीं है, एस का इजाफा नहीं है इनके साथ, और ये सिंगुलर प्लूरल शीप इस्तेमाल होता है, ठीक है बच्चों। लाखों की तादाद में बकरियाँ, भेड़े, मेंढे, गाय एंड कैमल्स और ऊंट आर सैक्रीफाइड, कुर्बान किए जाते हैं, ऑफ्ट के बाद द ईद नमाज, ईद नमाज के बाद फॉर द सेक, का मतलब है की राह में, ऑफ अल्लाह अलमैटी, अल्लाह कादर मुतलक की राह में, ठीक है जी। लाखों की तादाद में बकरियां, भेड़े, मेंढे, गाय और ऊंट ईद की नमाज के बाद अल्लाह कादर मुतलक की राह में कुर्बान किए जाते हैं। बेटा आर सैक्रीफाइड, सैक्रीफाइड है कुर्बान करना, आर सैक्रीफाइड यानी कि ये पैसे वे आर के साथ थर्ड फॉर्म है, ये मेन वर्ब है जी, ठीक है। लाखों की तादाद में बकरियां, भेड़े, मेंढे, गायें और ऊंट ईद की नमाज के बाद अल्लाह कादर मुतलक की राह में कुर्बान किए जाते हैं। सेवन पीपल कैन जॉइंटली सैक्रीफाइस अ काउ, सेवन पीपल, सात लोग मिलकर कैन कर सकते हैं, जॉइंटली यानी कि हिस्सा डालकर, मिलकर सैक्रीफाइस, कुर्बानी करते हैं, अकाउ एक गाय की, सात लोग मिलकर हिस्सा डालकर गाय की कुर्बानी कर सकते हैं, गाय की हो गई, ऊंट की हो गई, वो कुर्बानी कर सकते हैं, सात लोग, सात हिस्से होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कैन है, ठीक है जी, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म है ये। दोस्त हु हैव अरेंज्ड एन एनिमल फॉर सैक्रीफाइस सर्च फॉर अ बुचर, दोस्त वो यानी कि वो लोग जो हैव अरेंज्ड का मतलब बेटा के इंतज़ाम किया है, इंतज़ाम कर चुके होते हैं, इंतज़ाम किया होता है, अरेंज इंतज़ाम करना, हैव अरेंज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। एन एनिमल एक जानवर, फॉर सैक्रीफाइस यानी कि कुर्बानी के लिए, यानी कि जिन्होंने जानवर का इंतज़ाम किया होता है, सर्च, तलाश करते हैं, फॉर अ बुचर, बुचर कसाब, तो वो कसाई की तलाश शुरू करते हैं, वो कसाई को तलाश करते हैं, ओके। आप सुने, जिनके पास कुर्बानी का जानवर होता है या जिनके पास कुर्बानी का जानवर है वो कसाई की तलाश करते हैं, वो एक कसाई तलाश करते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या दोस्त वो लोग जो हैव अरेंज्ड एन एनिमल फॉर सैक्रीफाइस, वो लोग जो कुर्बानी के लिए जानवर का इंतज़ाम किया होता है, सर्च फॉर अ बुचर, वो एक कसाब को तलाश करते हैं। द मीट इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, द मीट, गोश्त, इज डिवाइडेड, तकसीम किया जाता है, डिवाइड तकसीम करना, इज डिवाइडेड, इसके साथ अगेन थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव है, इंटू 3 इक्वल बराबर पार्ट्स, हिस्सों में, ठीक है। गोश्त को यानी कि 3 मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाता है, गोश्त को 3 मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वन फॉर होम, एक घर के लिए, वन फॉर नीडी पीपल, एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए, नीडी ज़रूरतमंद पीपल लोगों के लिए, एंड वन, और एक फॉर रिलेटिव्स, एक रिश्तेदारों के लिए, एंड नेबर्स, और हमसायों के लिए, ठीक है, गरीबों के लिए और एक हमसायों और रिश्तेदारों के लिए। अब फिर सुन लें, गोश्त को 3 मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक घर के लिए, एक ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए, और एक हिस्सा किसके लिए, रिश्तेदारों के लिए और हमसायों के लिए। लेटर ऑन द मीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नेबर्स एंड नीडी पीपल, लेटर ऑन बाद में द मीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा इज डिस्ट्रीब्यूट भी तकसीम करना, डिवाइड भी तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग के दरमियान तकसीम किया जाता है, नेबर्स एंड द नीडी पीपल, हमसायों में, एंड द नीडी पीपल, और ज़रूरतमंदों में, यानी कि बाद में गोश्त
हमसायों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। पीपल गो मीट देयर रिलेटिव्स एंड गिव देम द मीट ऑफ देयर सैक्रिफिशियल एनिमल। पीपल लोग गो जाते हैं, लोग जाते हैं मीट मिलने, मीट ये MEET मीट मिलना, लोग यानी कि मिलने जाते हैं देयर रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को रिलेटिव्स रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं। एंड गिव देम, गिव देते हैं देम उनको और उनको देते हैं द मीट गोश्त देते हैं ऑफ देयर सैक्रिफिशियल एनिमल और उन्हें कुर्बानी का गोश्त देते हैं। ओके लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं और उन्हें कुर्बानी का गोश्त देते हैं। ओके हमने क्या पढ़ा बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि लाखों की तादाद में बकरियां, मेंढे, गाय, ऊंट ईद की नमाज के बाद अल्लाह कादर मुतलक की राह में कुर्बान किए जाते हैं। सात लोग मिलकर हिस्सा डाल सकते हैं, गाय और ऊंट की कुर्बानी कर सकते हैं वो, ठीक है जी। और जिनके पास कुर्बानी का जानवर होता है वो कसाई को तलाश करते हैं। गोश्त को तीन मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक घर के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए, सॉरी हमसायों के लिए और रिश्तेदारों के लिए। बाद में गोश्त हमसायों ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाता है। लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं और उन्हें कुर्बानी का गोश्त देते हैं। ओके बच्चों इसको बेटा आपने प्रिपेयर करना है और कंप्लीट पीछे भी आपने इसको रिवाइज़ कर लेना है कम्प्लीट, ठीक है बच्चों। ओके अल्लाह हाफिज़।